नमस्कार विद्यार्थियों, अभी अपना पाठ नंबर 5 चल रहा है, जिसमें अभी हम औपनिवेशिक या उपनिवेशवादी आक्रमणों को जान रहे हैं। इस पाठ में पिछली कक्षाओं में हमने जो जानकारी ली थी, उससे आगे की जानकारी आज हम इस क्लास में लेंगे। तो जो पाठ है अपना उपनिवेशवादी आक्रमण, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया था। उपनिवेशवादी आक्रमण क्या होते हैं और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण किस क्षेत्र की तरफ से हुए, उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत किन्होंने की थी, कब की थी और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण क्यों हुए थे, वो जानकारियां हम पहले जान चुके हैं। आज इस पाठ में आगे की जानकारी हम देखेंगे। तो आज का जो अपना पॉइंट है उपनिवेशवादी आक्रमण के इस पाठ में, वो पॉइंट है अपना आज का भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश और विस्तार। तो आज हम जानेंगे अपने भारत देश में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ और फिर उनका विस्तार, यानी कि उन शक्तियों ने भारत में प्रवेश किया और बाद में फिर उनका अधिकार कैसे हुआ, वो भारत में ज़्यादा फैली कैसे, वो जानकारी आज हम जानेंगे आगे। तो अपना जो पॉइंट है आज का, वो है भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश एवं विस्तार। तो देखो, पश्चिमी देश थे जिन्होंने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो पूर्वी देश थे जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के देश और एशिया महाद्वीप के देश, इन देशों को उपनिवेश बनाना शुरू किया था। उपनिवेश का मतलब गुलाम बनाना या उस पर अधिकार करना। ये कार्य पश्चिमी देशों ने शुरू किया था 16वीं से 18वीं सदी के मध्य। तो पश्चिमी देशों ने भारत पर भी नज़र डाली कि एशिया महाद्वीप का एक धन संपन्न देश था भारत, तो पश्चिमी देशों ने भारत में भी अधिकार करने की सोच बनाई और वो भारत की तरफ भी आने लग गए। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो यही है कि पश्चिमी देशों ने किस प्रकार भारत में प्रवेश किया और फिर अपना विस्तार किया। तो देखो, भारत में औपनिवेशिक शक्तियां, औपनिवेशिक शक्तियों का मतलब है पश्चिमी देश, औपनिवेशिक शक्तियां मतलब जो देश उपनिवेश बनाते हैं उन देशों को कहते हैं औपनिवेशिक शक्तियां। तो उपनिवेश कौन बना रहे थे? पश्चिमी देश बना रहे थे। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनको पश्चिमी देश कहते हैं, वो उपनिवेश बना रहे थे उस समय, इसलिए उन पश्चिमी देशों को औपनिवेशिक शक्तियां कहा जाता है। तो भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ और फिर उनका भारत में फैलाव यानी विस्तार किस प्रकार से हुआ, वो जानकारी हम आगे देखते हैं। तो देखो, यूरोप महाद्वीप इस यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वो थे पश्चिम, उनको कहते हैं पश्चिमी देश, और इन देशों ने ही अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए पूर्वी देशों को उपनिवेश बनाना शुरू किया था। तो यूरोप के ही कुछ देश थे जिन्होंने भारत को भी उपनिवेश बनाना चाहा और भारत में उन्होंने प्रवेश किया और फिर धीरे धीरे भारत पर अधिकार करने के लिए वो प्रयास करने लग गए। तो यहाँ पर ये पूर्व की तरफ अपना भारत देश, तो यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख प्रमुख देश थे उन देशों ने भारत पर अधिकार करने करना चाहा और वो भारत में प्रवेश करते गए। तो भारत में कौन कौन से पश्चिमी देश आए थे और उन्होंने भारत पर अधिकार करना चाहा था, तो वो हम देखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उनमें जो शक्तिशाली देश थे वो सभी देश भारत पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि भारत काफ़ी धन संपन्न क्षेत्र था। भारत जाकर भारत में व्यापार करना और भारत पर अधिकार करना, ये सोच यूरोप महाद्वीप के सभी देशों की थी और सभी देशों ने भारत में आने का प्रयास किया, भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया।
लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाए। तो भारत में किन किन देशों ने प्रवेश किया था और उनमें से सफल कौन हुआ, असफल कौन हुआ, वो संपूर्ण जानकारी इस पॉइंट में हम देखते हैं। तो देखो, भारत में कौन कौन सी औपनिवेशिक शक्तियां आई थी, वो शक्तियां यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। तो उस समय जब विश्व में उपनिवेश बनाए जा रहे थे, तो धन संपन्न होने की वजह से भारत की तरफ भी नजर गई। तो यूरोप महाद्वीप के मुख्यतः पांच देश, यूरोप महाद्वीप के मुख्यतः शक्तिशाली जो देश थे पांच देश, उन पांच देशों ने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किया था और उन पांच देशों के निवासी भारत में प्रवेश कर पाए थे। तो वो पांच देश कौन कौन से थे, तो हम देखते हैं भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश। तो भारत में सबसे पहले जिस पश्चिमी देश ने प्रवेश किया वो थे पुर्तगाली। भारत में प्रवेश करने वाली औपनिवेशिक शक्तियां कौन कौन सी थी, यानी पश्चिमी देश कौन कौन से थे, वो हम देख रहे हैं। तो भारत पर यूरोप महाद्वीप के मुख्य पांच देशों ने प्रयास किया था उपनिवेश बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो भारत में आए थे वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली किनको कहते हैं, यूरोप महाद्वीप में देश है पुर्तगाल। उस पुर्तगाल देश के जो निवासी हैं उस निवासियों को पुर्तगाली कहते हैं। तो पुर्तगाल के निवासी पुर्तगाली कहलाते हैं। तो भारत में सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का जो देश है पुर्तगाल, वहाँ के निवासी आए थे, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद में दूसरे नंबर पर भारत में प्रवेश किया डचों ने, डच कौन थे, हॉलैंड। हॉलैंड के निवासी, यूरोप महाद्वीप में एक देश है उस देश का नाम है हॉलैंड। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। तो हॉलैंड के जो निवासी हैं उनको डच बोला जाता है। हॉलैंड में डच भाषा चलती है, डच भाषा चलने की वजह से ही हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो पुर्तगालियों के बाद में दूसरे नंबर पर भारत में जिस औपनिवेशिक शक्ति ने प्रवेश किया या जिस पश्चिमी देश ने प्रवेश किया वो था हॉलैंड, और उसके निवासियों को कहते हैं डच। तो दूसरे नंबर पर भारत में डचों ने प्रवेश किया। डचों के बाद में तीसरे नंबर पर भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेजों से पहले डेनमार्क वासी आए। तीसरे नंबर पर भारत में डेनमार्क वासी, डेनमार्क वासियों ने प्रवेश किया। डेनमार्क देश है, डेनमार्क देश के निवासी यानी डेनमार्क वासी। तो डचों के बाद में तीसरे नंबर पर भारत में डेनमार्क वासियों ने प्रवेश किया, वो भारत में आए। डेनमार्क वासियों के बाद में चौथे नंबर पर भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अंग्रेज कौन थे, इंग्लैंड के निवासी। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इंग्लैंड या ब्रिटेन के जो निवासी हैं उनको अंग्रेज कहते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक शक्तिशाली देश है इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। तो इंग्लैंड और ब्रिटेन के जो निवासी थे वो अंग्रेज कहलाते हैं। तो चौथे नंबर पर भारत में जिस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया वो थे इंग्लैंड के निवासी यानी अंग्रेज। अंग्रेजों ने चौथे नंबर पर भारत में प्रवेश किया। अंग्रेजों के बाद में आखिरी में यूरोप महाद्वीप के निवासियों ने प्रवेश किया, वो थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी फ्रांस के निवासी, फ्रांस देश, यूरोप में जो फ्रांस देश है उस फ्रांस देश के निवासियों ने भी भारत में प्रवेश किया भारत को उपनिवेश बनाने के लिए, उनको फ्रांसीसी कहते हैं। तो यहाँ हम जान चुके हैं यूरोप महाद्वीप के मुख्यतः पांच देश, इन पांचों देशों के व्यक्तियों ने भारत से लाभ कमाने के लिए या भारत को उपनिवेश बनाने के लिए भारत में प्रवेश किया था। तो इन पांचों देशों से संबंधित जानकारी अब हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो हमें पता चल चुका है भारत में कौन कौन सी उपनिवेशी शक्तियों ने प्रवेश
प्रवेश किया, कौन कौन से उपनिवेशित देशों ने प्रवेश किया ये तो हमने जान लिया। अब एक एक देश की जानकारी हम आगे विस्तार से जानेंगे, किस देश ने कब प्रवेश किया और फिर वो अपने उद्देश्य में कामयाब हुए या नहीं हुए, सफल हुए या नहीं हुए, वो हम आगे देखते हैं। तो भारत को उपनिवेश बनाने के लिए या भारत से आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए छह देश, पांच देश थे, पांच देश के निवासियों ने प्रवेश किया था। एक पुर्तगाल देश, एक होलैंड, तीसरा देश था डेनमार्क, चौथा था इंग्लैंड और पांचवा था फ्रांस। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया, पुर्तगालियों के बाद में डचों ने, तीसरे नंबर पर डेनमार्क वासी भारत में आए, चौथे नंबर पर अंग्रेज भारत में आए और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी भारत में आए। पांचों देशों का उद्देश्य एक ही था, भारत जैसे धन संपन्न क्षेत्र में जाके उसको उपनिवेश बनाना। लेकिन शुरुआत में ये उपनिवेश बनाने की सोच रखकर नहीं आए, शुरुआत में जो इनकी सोच थी वो थी व्यापार करने की सोच। उद्देश्य जो था वो तो यही था कि भारत में जाएं, वहाँ से अधिक लाभ कमाएं और फिर भारत पर अधिकार कर लें, ये सोच, ये उद्देश्य इनका था। लेकिन ये शुरुआत में जब प्रवेश करके आए तो डायरेक्ट ही उपनिवेश बनाने के लिए इन्होंने कार्य नहीं किया, शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आए थे। यानी पांचों देशों के निवासी भारत में आए तो ये शुरुआत में व्यापार करने के लिए ही भारत में आए थे। भारत जैसे धन संपन्न क्षेत्र से व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए यूरोप महाद्वीप के इन देशों के लोग भारत में आए थे शुरुआत में व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते ही ये भारत में रहने लग गए और फिर भारत में इनका क्षेत्र फैलता गया, ये भारत पर अधिकार करने की सोच बनाने लगे। तो इनमें से जो चौथे नंबर के हैं अंग्रेज, ये ही अपने मकसद में कामयाब हुए थे, यानी भारत को उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए थे। वैसे तो भारत को उपनिवेश बनाने के लिए पांच देशों ने प्रयास किया, लेकिन पांचों में से सफल कौन हुए थे? अंग्रेज। अंग्रेज थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और अपनी सेना के बल पर भारत को उपनिवेश बनाने में सफलता हासिल की थी। और बाकी चार देश हैं उन्होंने भी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। केवल भारत को उपनिवेश बनाने में सफलता हासिल की अंग्रेजों ने, यानी इंग्लैंड ने ही भारत को अपना उपनिवेश बनाया। किस प्रकार बनाया और अंग्रेज कैसे सफल हुए वो हम आगे देखते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के इन पांच देशों ने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इन पांचों में से इंग्लैंड के जो निवासी थे अंग्रेज वो सफल हुए। किस प्रकार सफल हुए वो हम विस्तार से आगे जान लेंगे। तो यहाँ आपको पता चल गया है कि भारत में कौन कौन सी औपनिवेशिक शक्तियाँ यानी पश्चिमी देशों ने प्रयास किया था भारत को उपनिवेश बनाने के लिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, इनका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो तो भारत को उपनिवेश बनाना था यानी उस पर अधिकार करना था। लेकिन शुरुआत में जब ये भारत में आए तो डायरेक्ट ही इन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, शुरुआत में ये व्यापार करने के लिए भारत में आए थे और व्यापार करते करते ही इन्होंने भारत पर अधिकार करने की सोच बनाई थी। लेकिन इस सोच में केवल अंग्रेज ही कामयाब हुए थे, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप इनको ध्यान रखें। अब हम इन पांचों को विस्तार से जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से भारत में आए और फिर इनकी स्थिति भारत में कैसी रही। तो सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगाल के जो निवासी थे यानी पुर्तगाली, उन्होंने भारत में प्रवेश कैसे किया और प्रवेश करने के बाद में उनकी भारत में स्थिति किस प्रकार की रही, उन्होंने भारत के कितने क्षेत्र पर अधिकार किया और वो भारत को उपनिवेश बनाने में सफल नहीं हुए, किस प्रकार से नहीं हुए, वो विस्तार से जानकारी आगे देते हैं। तो देखो आगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे पुर्तगाल देश के बारे में।
पुर्तगाल देश के निवासियों ने भारत में प्रवेश किया और आगे उनकी स्थिति किस प्रकार की हुई। पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में जानते हैं। तो यहां आप ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए या भारत पर अधिकार करने के लिए यूरोप महाद्वीप के जिस शक्ति ने प्रवेश किया था वो था पुर्तगाल देश। तो भारत में सबसे पहले आने वाली औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल थी। तो पुर्तगालियों ने किस प्रकार भारत में प्रवेश किया वो हम आगे देखते हैं। तो देखो, भारत पुराने समय से काफी धन संपन्न देश था और भारत का व्यापार पुराने समय से ही यूरोप महाद्वीप से होता रहता था। यानी ऐसा नहीं है कि जब पश्चिमी देश या औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आई तब ही भारत का व्यापार यूरोप से हुआ। इन शक्तियों के आने से पहले भी या इन पश्चिमी देशों के भारत में आने से पहले भी भारत का व्यापार यूरोप महाद्वीप से होता रहता था। यानी जब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था या मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत थी या उससे पहले का जो समय था उस समय भी भारत का व्यापार यूरोप महाद्वीप से होता रहता था। उस व्यापार की वजह से ही यूरोप महाद्वीप के जो लोग थे वो भारत से परिचित हुए थे। उस व्यापार की वजह से ही यूरोप महाद्वीप के लोगों को ये पता चला था कि भारत नाम का कोई देश है और वो काफ़ी धन संपन्न है और भारत में जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं ज्यादा हैं तो उनसे व्यापार करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तो पश्चिमी देशों के आने से पहले भी भारत का व्यापार यूरोप महाद्वीप से होता था। तो पुराने समय भारत से यूरोप महाद्वीप का जो व्यापार होता था वो मुख्यतः तीन मार्गों से होता था। तीन मार्ग कौन कौन से थे वो हम देखते हैं। यूरोप महाद्वीप, तो भारत का व्यापार पुराने समय भी यानी औपनिवेशिक शक्तियों के प्रवेश करने से पहले भी भारत का व्यापार यूरोप महाद्वीप से होता था। उस समय मुख्यतः तीन मार्गों से होता था। तीन मार्ग कौन कौन से थे? एक मार्ग था जो भारत से होकर मध्य एशिया से होकर, मध्य एशिया में पहला मार्ग जान रहे हैं हम, मध्य एशिया में यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है आकांसस नदी। आकांसस नदी, आकांसस नदी से होते हुए ये कैस्पियन सागर और आगे यहाँ पर काला सागर से होते हुए ये मार्ग यूरोप में जाता था। तो देखो, पुराने समय भी भारत का व्यापार यूरोप से होता था, मुख्यतः तीन मार्गों से होता था। तीन मार्गों में पहला मार्ग है भारत से मार्ग होते हुए मध्य एशिया से निकलकर ये आकांसस नदी है। इस आकांसस नदी से होकर कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर से काला सागर और फिर यूरोप में जाता था। तो इस मार्ग से भारत का व्यापार यूरोप के साथ होता था। इसके अलावा दूसरा मार्ग सीरिया होते हुए, यहाँ पर सीरिया है, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप में जाता था। भारत से व्यापार करने का, यूरोप में जाने का जो दूसरा मार्ग था वो सीरिया से होकर भूमध्य सागर से होकर यूरोप में जाता था। और जो तीसरा मार्ग लाल सागर से होकर यहाँ पर मिस्र से होकर फिर ये वही भूमध्य सागर में चला जाता था, भूमध्य सागर से फिर यूरोप में जाता था। तो प्राचीन समय में यानी पश्चिमी देशों ने भारत में प्रवेश किया उससे पहले भी भारत का व्यापार यूरोप से होता था। उस समय भारत का व्यापार यूरोप से तीन मार्गों से होता था। एक मार्ग जो आकांसस नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर से होते हुए यूरोप में जाता था। दूसरा मार्ग
जो सीरिया से होकर भूमध्य सागर से होकर यूरोप में जाता था, और तीसरा मार्ग लाल सागर से होकर मिस्र, मिस्र से होकर भूमध्य सागर और फिर यूरोप में जाता था। तो इन तीन मार्गों से यूरोप के व्यापारी या भारतीय व्यापारी यूरोप और भारत में आते जाते रहते थे और व्यापार होता था। भारत में जीवन के काम में आने वाली जो वस्तुएं थी उनका उत्पादन ज़्यादा होता था, उनकी भरमार थी। तो यूरोप के देशों में भारतीय वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए भारत के जो व्यापारी थे वो काफ़ी धन संपन्न थे, क्योंकि भारत के व्यापारियों के पास या भारत में मुख्यतः सामान्य जन जीवन के काम में आने वाली वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, मसाले, खाने पीने का सामान, अन्य जो वस्तुएं हैं जो जीवन के काम में आती है, सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो भारत में बहुत ज़्यादा थी। तो भारतीय व्यापारी इन वस्तुओं का व्यापार यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से करते थे, जिससे भारतीयों को काफ़ी लाभ मिलता था। और इन वस्तुओं के बदले यूरोप से भारत में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ऐसी वस्तुएं भारत में आती थी। तो भारत काफ़ी धन संपन्न देश हो चुका था, पुराने समय में काफ़ी धन संपन्न स्थिति थी। तो कह सकते हैं हम कि यूरोप महाद्वीप से भारत का व्यापार पुराने समय में भी होता था, पश्चिमी देशों के प्रवेश करने से पहले भी होता था, लेकिन लगभग 12वीं सदी आते आते ही जो तीनों मार्ग थे, इन तीनों मार्गों पर समुद्री डाकुओं का प्रभाव ज़्यादा हो गया। यानी जिन तीन मार्गों से यूरोप के साथ भारत का व्यापार होता था, इन तीनों मार्गों पर समुद्री डाकुओं का प्रभाव ज़्यादा हो गया। समुद्री डाकू जो व्यापारी माल लेके जाते थे या धन लेकर आते जाते थे उनको लूटते थे, जिस वजह से इन तीनों मार्गों से आना जाना थोड़ा कम हो गया। क्योंकि समुद्री डाकुओं का प्रभाव होने की वजह से यूरोप और भारत के व्यापारी तीनों मार्गों से आना जाना थोड़ा कम हो गए, लेकिन फिर भी ये मार्ग पूर्णतः बंद नहीं हुए, आगे तक चलते रहे। लेकिन 15वीं सदी में इन तीनों मार्गों का जो क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है, इन तीनों मार्गों के इस क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 15वीं सदी में इन तीनों मार्गों का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्की की तरफ या उसके आसपास के जो मुसलमान थे उनको तुर्क कहते हैं। तो इन तुर्कों का अधिकार इन क्षेत्रों पर हो गया। तुर्कों का अधिकार होने के बाद में इन क्षेत्रों को बंद कर दिया गया, इन तीनों मार्गों को बंद कर दिया गया। तो 15वीं सदी में जो ये तीनों मार्ग थे, ये तीनों मार्ग जिनसे भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था, वो तुर्कों के अधिकार के बाद में पूर्णतः बंद हो गए। यानी भारत और यूरोप के बीच का जो आवागमन के मार्ग थे वो बंद कर दिए गए। तो यूरोप के व्यापारियों का भारत में आना जाना बंद हो गया, या हम कह सकते हैं कि तुर्कों के अधिकार के बाद 15वीं सदी में यूरोप और भारत का व्यापार बंद हो गया, जो पुराने समय में होता था, जिससे भारत के व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। तो तुर्कों के अधिकार के बाद में इन तीनों मार्गों पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया 15वीं सदी में, ये तीनों मार्ग बंद हो गए और यूरोप और भारत का व्यापार होना बंद हो गया। तो बाद में जब उपनिवेशवादी आक्रमण हुए, यानी यूरोप महाद्वीप के देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया, तब यूरोप के जो देश थे उनकी नज़र भारत पर पड़ी और उन्होंने भारत से व्यापार करके भारत को उपनिवेश बनाने की सोच बनाई। तो वो भारत में जाने का मार्ग खोजने लग गए। ये तीनों मार्ग थे पुराने, ये तो बंद हो चुके थे, इनसे तो आना जाना पूर्णतः बंद हो चुका था, 15वीं सदी में बंद हो गया था। जबकि उपनिवेशवादी आक्रमण तो 16वीं से 18वीं सदी में हुए थे, 16वीं से 18वीं सदी में उपनिवेशवादी आक्रमण हुए, उनसे पहले ही ये मार्ग बंद हो चुके थे। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश थे, पश्चिमी देश, वो भारत पर अधिकार करना चाहते थे, उसके लिए उनको भारत में जाना था व्यापार करने के लिए या अधिकार करने के लिए। तो यूरोप महाद्वीप के लोगों को भारत में जाने का मार्ग ढूंढना था, पुराने जो मार्ग थे वो बंद थे, उनसे वो आ जा नहीं सकते थे। तो यूरोप महाद्वीप के निवासियों को भारत में जाने का मार्ग ढूंढना था। तो मार्ग ढूंढने का काम सबसे पहले स्पेन देश, भारत के बारे में यूरोप महाद्वीप के लोग जानते तो सब कुछ थे कि भारत काफ़ी धन संपन्न है,
भारत में व्यापार किया जाए तो काफी लाभ होगा, इस प्रकार की सब बातें तो यूरोप महाद्वीप के लोग जानते थे। लेकिन उस समय जो लोग थे उनको भारत में जाने का मार्ग पता नहीं था, यानी भारत में जाया किधर से जाए वो मार्ग यूरोपवासियों को पता नहीं था। तो भारत आने का मार्ग ढूंढने का कार्य लगभग सभी देश उस समय कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रयास किया था स्पेन देश ने। स्पेन देश का निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। स्पेन का निवासी था कोलंबस। कोलंबस ने 1492 में स्पेन का निवासी था कोलंबस। इस कोलंबस ने 1492 में भारत आने का मार्ग ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। और भारत का मार्ग ढूंढने के लिए कोलंबस निकल पड़ा 1492 में। अब ये स्पेन से निकलकर भारत आने का मार्ग ढूंढ रहा था, तो अटलांटिक महासागर से होते हुए ये पूर्व में आने की बजाय भारत पूर्व दिशा की तरफ था। अब उस समय में यंत्र या दिशा सूचक जो मशीनें थी वो सब नहीं थी, तो केवल अंदाजे से या उस समय की जो सुविधाएं थी उसके हिसाब से ही समुद्री यात्री यात्रा करते थे। तो कोलंबस पूर्व में आने की बजाय अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक गया और वो पश्चिम की तरफ निकल गया। पश्चिम की तरफ निकल कर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया। ये कोलंबस भारत आने का मार्ग ढूंढने के लिए निकला था 1492 में, लेकिन भारत आने की बजाय कोलंबस पश्चिम की तरफ चला गया और उत्तरी अमेरिका में चला गया। उत्तरी अमेरिका की खोज की इसने। कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था, भारत के मार्ग को खोजना चाहता था, लेकिन भारत तो ये आ नहीं पाया, तो ये उत्तरी अमेरिका की तरफ चला गया और इसने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की। ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका या अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की 1492 में। शुरुआत तो इसने भारत के लिए की थी, लेकिन ये भारत की नहीं कर पाया, उत्तरी अमेरिका की तरफ चला गया और उसने उत्तरी अमेरिका की खोज की। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश उत्तरी अमेरिका की तरफ भी गए और उन्होंने उत्तरी अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बना लिया था। बाद में सफलता किसने हासिल की? देखो, स्पेन का जो निवासी था कोलंबस वो सफल नहीं हो पाया, भारत आने का मार्ग को नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद में पुर्तगाल का निवासी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल देश है, उस पुर्तगाल देश का निवासी था वास्को डी गामा। इस वास्को डी गामा ने भी समुद्री यात्रा की और भारत आने का मार्ग ढूंढने लग गया। तो वास्को डी गामा यहाँ से होकर आशा अंतरिक्ष मार्ग, इस मार्ग को कहते हैं आशा अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए ये मोजाम्बिक क्षेत्र से होकर यहां पहुंच गया केरल में एक तट था जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह है। कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया जहां पर हिंदू राजा जिसका नाम था जमोरीन ने इसका स्वागत किया। देखो, कोलंबस जब असफल हो गया तो भारत आने का मार्ग ढूंढने की जिम्मेदारी वास्को डी गामा ने उठाई। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, तो वास्को डी गामा यूरोप से निकला और आशा अंतरिक्ष मार्ग से होता हुआ भारत की तरफ पहुंचा। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है,
अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से जो मार्ग जाता है उसको कहते हैं आशा अंतरिक्ष मार्ग। आपने मानचित्र में देखा है यूरोप के नीचे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से जो मार्ग जाता है उसको कहते हैं आशा अंतरिक्ष मार्ग। तो वास्को डी गामा इस आशा अंतरिक्ष मार्ग से होता हुआ, ये मोजाम्बिक क्षेत्र है, इस मोजाम्बिक क्षेत्र से होता हुआ हिंद महासागर से होकर ये केरल में, केरल में कालीकट नाम का बंदरगाह है, उस कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंच गया और कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत का एक केरल का हिंदू राजा था जमोरीन, उस जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और पहला समुद्री यात्री था जिसने भारत आने का मार्ग यूरोपियों को बताया, या हम कह सकते हैं कि भारत आने का मार्ग वास्को डी गामा ने ही खोजा था, या इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के लिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, तो वास्को डी गामा ने यूरोप महाद्वीप के लिए, यूरोप महाद्वीप के लोग भारत को ढूंढ रहे थे, भारत आने का मार्ग ढूंढ रहे थे, तो वो कार्य किसने किया, वास्को डी गामा ने। तो यूरोप महाद्वीप के लिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में, आसान मार्ग से आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वहां पर हिंदू राजा था जमोरीन जिसने इसका स्वागत किया। बाद में ये 6-1 महीने भारत में रुका और उसके बाद में इसी मार्ग से वापस यूरोप लौट गया और इसी वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे या पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को ये मार्ग की जानकारी दे दी। अब जब पुर्तगाल के व्यापारियों को मार्ग की जानकारी मिल गई, वास्को डी गामा ने जाके कह दिया कि मैंने भारत को खोज दिया है, भारत जाने का मार्ग ये है, तो वास्को डी गामा ने मार्ग बता दिया। मार्ग का पता चलते ही पुर्तगाल के बहुत सारे व्यापारी इस मार्ग से होते हुए भारत में आ गए और उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। तो भारत में सबसे पहले आने वाली जो उपनिवेशिक शक्ति या जो पश्चिमी देश था वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल ही क्यों आया सबसे पहले, इसका कारण आपको पता है, क्योंकि पुर्तगाल का ही निवासी था वास्को डी गामा जिसने भारत आने का मार्ग खोजा था, तो उसने सबसे पहले पुर्तगालियों को ही मार्ग बताया, इसलिए पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। बाद में पुर्तगालियों से इस मार्ग का पता अन्य को भी चला और अन्य भी भारत में आने लग गए व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते ही उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अधिकार करना शुरू किया। तो वास्को डी गामा 1498 में आया, उसके बाद वो वापस लौट गया, फिर 1502 में दूसरी बार ही भारत फिर आया था, दूसरी बार। तो ये भी आप ध्यान रखना, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया, वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया था। उसके बाद पुर्तगाली लोग भारत में आने लग गए और पुर्तगालियों ने भारत का जो पश्चिमी तट है इस क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो देखो, पुर्तगाल के व्यापारी भारत में आने लग गए, भारत में आकर उन्होंने भारत से व्यापार किया तो थोड़े वो धन संपन्न हो गए और भारत का जो पश्चिमी तट है उस पश्चिमी तट पर बहुत सारी जगहों पर पुर्तगाली व्यापारियों ने अपने केंद्र बना लिए और अब उन केंद्रों से वो व्यापार करने लग गए। जब पुर्तगाली व्यापारियों की संख्या बढ़ी तो इन्होंने भारत के थोड़े से क्षेत्र पर, यानी पश्चिमी तट के क्षेत्र पर, हम कह सकते हैं कि कर्नाटक का थोड़ा सा क्षेत्र और केरल का थोड़ा सा क्षेत्र, उस पर पुर्तगाली व्यापारियों ने अधिकार कर लिया और अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली। बस्तियाँ स्थापित होने के बाद में पुर्तगाल से गवर्नर जनरल या वायसराय बनाकर भारत भेजे जाने लगे। तो पुर्तगाल का भारत में जो प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय कहते हैं गवर्नर जनरल को, यानी सरकार का जो सबसे बड़ा पद होता है उसको गवर्नर जनरल कहते हैं। गवर्नर जनरल के पद को ही बाद में वायसराय कहा जाने लग गया।
तो पुर्तगाल के व्यापारी भारत में आए और उन्होंने भारत के थोड़े से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अधिकार होने के बाद में यहाँ पुर्तगाल की सरकार चलने लग गई। तो पुर्तगाल की सरकार जब यहाँ चलने लग गई तो यहाँ पर वायसराय भेजे जाने शुरू हो गए। तो पुर्तगाल का भारत में जो प्रथम वायसराय आया था उसका नाम था डी डी अल्मोड़ा। डी अल्मोड़ा ये नाम आप ध्यान रखें। डी अल्मोड़ा पुर्तगाल का भारत में प्रथम वायसराय था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था डी अल्मोड़ा। डी अल्मोड़ा भारत आया और इसने भारत आकर अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। डी अल्मोड़ा ने आकर इस समुद्री क्षेत्र में यानी जहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था उसके पास का जो समुद्री क्षेत्र था इस समुद्री क्षेत्र में समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया। समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया। देखो डी अल्मोड़ा पुर्तगाल का भारत में प्रथम वायसराय था जिसने भारत आकर समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया। समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाने की ये जो नीति थी इस नीति को कहते हैं नीले पानी की नीति। देखो नीले पानी की नीति किसे कहते हैं? डी अल्मोड़ा द्वारा समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाया गया इसको ही नीले पानी की नीति कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है नीले पानी की नीति किसने लागू की थी और ये क्या है? तो डी अल्मोड़ा ने लागू की थी जो भारत में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था। नीले पानी की नीति क्या होती है? डी अल्मोड़ा ने समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया इसे ही नीले पानी की नीति कहते हैं। समुद्र का जो पानी होता है वो नीले रंग का होता है और समुद्री सैन्य शक्ति को इसने बढ़ाया था इसलिए इसे नीले पानी की नीति कहते हैं। तो डी अल्मोड़ा द्वारा भारत में किया गया जो ये कार्य था इसको आप ध्यान रखें। तो पुर्तगालियों ने भारत के थोड़े से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। प्रथम वायसराय डी अल्मोड़ा था। डी अल्मोड़ा का कार्य समाप्त होने के बाद में भारत में जो दूसरा वायसराय हुआ पुर्तगाल का दूसरा वायसराय वो था डी अल्बुकर्क। देखो डी अल्मोड़ा के बाद में भारत में पुर्तगाल का जो दूसरा वायसराय हुआ ये प्रथम वायसराय था इसके बाद में जो दूसरा वायसराय हुआ वो डी अल्बुकर्क हुआ। डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का दूसरा वायसराय हुआ और ये इसका जो कार्य था वो डी अल्मोड़ा से भी ज़्यादा था यानी इसने पुर्तगाल में भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया। डी अल्बुकर्क ने अपनी सैनिक शक्ति को थोड़ा मजबूत किया और उसने क्या किया? डी अल्बुकर्क जो दूसरा वायसराय था इसने बीजापुर का राजा था जिसका नाम था यूसुफ आदिल खां। बीजापुर का राजा था यूसुफ आदिल खां। बीजापुर का राजा था यूसुफ आदिल खां। इसे यूसुफ आदिल खां पर डी अल्बुकर्क ने आक्रमण कर दिया और यूसुफ आदिल खां को अल्बुकर्क ने परास्त कर दिया। परास्त करके इस यूसुफ आदिल खां के पास यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गोवा। इस गोवा को छीन लिया इसने इससे। डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल खां पर आक्रमण करके उसको परास्त कर दिया और कर्नाटक के पास में गोवा क्षेत्र है इस गोवा को छीन लिया और गोवा पर डी अल्बुकर्क का अधिकार हो गया।
तभी से गोवा का जो क्षेत्र है वो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र बन गया और पुर्तगालियों का भारत के थोड़े और अधिक क्षेत्र पर अधिकार हो गया। तो पुर्तगाल का जो दूसरा वायसराय था डी अल्बुकर्क, उसने भारत में पुर्तगालों के अधिकार को बढ़ाया और गोवा पर अधिकार कर लिया। तभी से गोवा पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख केंद्र हो गया। बाद में पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र पर चलता रहा। फिर 17वीं सदी का समय आया। 17वीं सदी के समय पुर्तगालियों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे भारत में कम पड़ने लग गया। देखो 17वीं सदी के समय पुर्तगालियों ने भारत के इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस बात का आप ध्यान रखना कि पुर्तगालियों ने भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया, केवल भारत का जी इतना सा क्षेत्र आप देख रहे हो, केवल इस इतने से क्षेत्र पर ही पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था, या इतने से क्षेत्र को ही इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था या भारत के क्षेत्र पर अधिकार किया था। लेकिन 17वीं सदी का समय आया। 17वीं सदी के समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से पुर्तगालियों की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का जो शासन था वो धीरे धीरे भारत में कमजोर पड़ता गया। पुर्तगालियों का अधिकार धीरे धीरे भारत में कमजोर होता गया। 17वीं सदी आते आते केवल एक तो गोवा क्षेत्र भारत में एक गोवा क्षेत्र और एक दमन व द्वीप, ये दो ही क्षेत्र ऐसे रह गए। 17वीं सदी आते आते एक तो गोवा और एक दमन व द्वीप, ये दो ही क्षेत्र ऐसे रह गए जिन पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। 17वीं सदी आते आते एक तो गोवा क्षेत्र और एक दमन व द्वीप क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों पर ही पुर्तगालियों का अधिकार रहा, बाकी जो क्षेत्र थे उन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। फिर भारत की आजादी तक, 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी तक भी गोवा और दमन व द्वीप पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा। 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद में भी गोवा शहर और दमन व द्वीप का जो क्षेत्र था उस पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा था। फिर 1961 में भारत उससे पहले आजाद हो चुका था। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा और दमन व द्वीप पर सैन्य अभियान किया और पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया। तो 1961 में जाकर गोवा और दमन व द्वीप पुर्तगालियों से मुक्त हुआ पूरी तरह से, और 1961 में पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया गया। तो ये जानकारी थी पुर्तगालियों की। तो यहाँ हमने जाना कि पुर्तगाली कब भारत में